आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने बीएसएफ जवानों के साथ शहर में कदम ताल करते हुए फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च मंडी थाना परिसर से शुरू हुआ, जो चंबल मार्ग, मिर्ची बाजार, एमजी रोड, रेलवे स्टेशन चौराहा, जवाहर मार्ग, चंद्रशेखर मार्ग होते हुए पुनः मंडी थाना परिसर में समाप्त हुआ। इस दौरान एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, एसडीएम, सीएसपी मंडी एवं बिल्लाग्राम थाना प्रभारी सहित बीएसएफ और पुलिस जवान मौजूद रहे। हम एरिया डोमिनेशन के लिए जानेंगे। यहाँ नागपुर शहर में हमने एक रूट तय किया है, उस पे दो की फाइल में चलेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। पीछे तक हमारे थाने का फोर्स आगे रहेगा, उसके पीछे आप लोग फॉलो कर लेंगे हमको। ये करीब 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है पूरा। उसके बाद यहाँ पर हम वापस थाने आएंगे और फिर अपने व्हीकल से, वाहनों से, जो हमारे संवेदनशील ग्राम हैं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उन ग्रामों का वाहन से ही भ्रमण करेंगे। ये पूरी कवायद जो है करीब 1.25 घंटे में पूरी हो जाएगी। ठीक है, अवधारणा होती है कि आप एरिया से फेमिलराइज हो जाएं, समझ लें कि एरिया कैसा है। एरिया डोमिनेशन एक दूसरा पॉइंट होता है कि जो भी असामाजिक तत्व है जो इलेक्शन को, लॉ एंड ऑर्डर को, पीस को प्रभावित कर सकते हैं, उन तक पुलिस शांतिपूर्ण ढंग से मैसेज देना चाहती है कि हम लोग अलर्ट हैं, तैयार हैं पूरी प्रक्रिया का शांतिपूर्वक निष्पादन कराने के लिए। आप लोग सचेत हो जाइए, ये बेसिकली साइलेंट मैसेज होता है। उस मैसेज को हमको अभी फ्लैग मार्च के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज से, अपने ड्रेस से शो करना है पूरे अनुशासन के साथ। दूसरा, आपके साथ जो प्रभारी है वो भी डिसाइड कर लेंगे कि अगर बीच में कोई पॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ आपको पब्लिक से कन्वर्सेशन करना है, आपको चीज़ को समझना है, तो डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, हमारे लोकल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, या जो सिविलियन है जो आपको दिख रहे हैं वहाँ आप बात कर सकते हैं। टोटल फ्री है, कोई बाउंडेशन नहीं है। हम अनुशासन बनाए रखते हुए पूरा एक ट्रैक डिसाइड किया गया लोकल पुलिस स्टेशन में, उस ट्रैक पर चलेंगे पैदल, माहौल को समझेंगे, एरिया समझने की कोशिश करेंगे, पब्लिक का नेचर क्या है, कैसा यहाँ का डेमोग्राफी है, इन सब चीज़ों को समझते हुए एक अच्छा व्यापक अनुभव लेके हम यहाँ से वापस होंगे। आज जो है आपका मेरे ख्याल से दूसरा दिन है, जिले में सेकंड डे ना आपने शहर में बिहार पोर्शन में है। पूरे उज्जैन जिले में 7 विधानसभाएं हैं, शहर में 2 और देहात में 5। हम लोग नागदा खाचरौद विधानसभा में, नागदा सब डिवीजन में है, यहाँ से अपना फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन, एरिया फेमिलराइजेशन करने के बाद खाचरौद सब डिवीजन में जाएंगे, वहाँ से समापन करके अपना डिब्रीफिंग करके फिर वापस कैंप के रहते हैं। बेसिकली यही इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप फ्री होकर बोल सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करेंगे। कोई पॉइंट है किसी का? सर, लोग क्लियर है, कंफर्टेबल है, बढ़िया। इसी उत्साह को हम लोग ड्रिल में दिखाएंगे। थैंक यू। आने के बाद
फोर्स नागदा में आया बाहर से किस मामले में कितना गुजरा है? मध्य प्रदेश में जो विधानसभा निर्वाचन है उसके क्रम में शासन से जो बाहर की जो बटालियन की कंपनी अलॉट होती है उस कंपनी को एक तो हम लोग एरिया डोमिनेशन करवाते हैं ताकि ये क्षेत्र में उनकी पकड़ हो पहचान हो। उसी क्रम में जो ITBP की कंपनी है उसमें असिस्टेंट कमांडर सुबोध जी के साथ 90 लोगों का बल हमारे पास आया है तो नागदा कस्बे में जो हमको इलेक्शन निर्वाध संपन्न करवाने हैं उस संपन्न कराने के क्रम में चूँकि इस बल को ड्यूटी भी करनी है तो एक बार एरिया को समझ ले लोगों का नेचर कैसा है माहौल कैसा है तो पूरा फेमिलाइजेशन कराने के क्रम में बिल्कुल आया गया उसी क्रम में फ्लैग मार्च हमने कराया था। सर नागदा शहर रहेगा भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी दौरा रहेगा? ग्रामीण क्षेत्र में भी दौरा रहेगा। बेसिकली उद्देश्य इसका ये है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं जो इलेक्शन में विध्वंस कर सकते हैं या उसको बाधित कर सकते हैं उन तक मैसेज करना है कि पुलिस और प्रशासन अपनी मुस्तैदी के साथ तैयार है, हम लोगों की प्रिपरेशन अच्छी है, आप कुछ भी करेंगे हम आपको अपना मंशों में कामयाब नहीं होने देंगे। इस क्रम में हम लोगों ने दो थाने लग रहे, बिरला ग्राम क्षेत्र अलग लग रहा है, बंडी थाना अलग लग रहा है, तो बिरला ग्राम क्षेत्र में भी निकाला जाएगा? ये दोनों ही जगह निकाला जाएगा। इसके बाद खातरोद सब डिवीजन जो है वहाँ पे भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि विधानसभा तो एक ही है नागदा खातरोद। सर नगर की जनता को मैसेज यही है कि किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर है इलेक्शन को लेकर, कोई एलिमेंट है जो इसको बाधित करने का प्रयास कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसकी सूचना अवश्य दें और डरे नहीं, हमारे पास पर्याप्त बल है, मनोबल भी पर्याप्त, आप सब लोगों के साथ है तो हम चुनाव अच्छे से संपर्क करा लें।